हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फ्री थी, एज यूजुअल फ्री रहती हूँ नहीं, थोड़ा बिजी हो जाती हूँ। तो आज सोचा कि लंच क्यों ना मैं बनाऊँ। तो मैं लंच में आज बनाने वाली हूँ पोस्तों का लिया, उसके साथ दाल और थोड़े फ्राइज। तो मैंने अच्छे से सब्जियों को बारीकी से कटिंग कर लिया क्योंकि मुझे इसे ग्रेट करना है। तो अब इसमें मैंने लहसुन, अदरक, टमाटर, जीरा सब डाल दिया है। एक्चुअली इसका मैं पाउडर बहुत कम यूज़ होता है, इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो पेस्ट हो चुकी है। अब मैंने ऑनियन भी काट ली। अब इसको मैंने हल्दी और नमक के साथ जैसे मैरिनेट कर लिया था। अब मैंने खसखस को भी पेस्ट कर लेना है, जिसको बंगाली में पोस्तो कहते हैं। अब कढ़ाई पे तेल गर्म हो चुकी है, मैंने पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ करा है। अच्छे से मछली को फ्राई कर लिया है। फ्राई करते करते चलो दाल का सब कुछ शुरू करते हैं। तो दाल के लिए मैंने यहाँ पे प्याज काट लिया। कितने घटिया काटती हूँ मैं, देखो यार, सच बता रही, इतना घटिया। तब तक मछली भी फ्राइज हो चुके हैं। तो मछली हो गया फ्राई। अब इसके बाद लहसुन को काटना है, मतलब कितना गंदा काटती हूँ मैं, देखो भाई, छी, व्हाटएवर। चलो अब तो इसमें जो भी हम बनाने वाले हैं फिश का, क्या नाम बोला था मैंने, वो भी भूल गई, अरे वो भी क्या बोलते हैं उसे, पोस्तो का लिया, हाँ सॉरी गाइस, मुझे याद नहीं रहता है। चलो इसे मैंने हरा मिर्च डाल दिया, किनके घर में थोड़ा तीखा कम खाया जाता है, तो मैंने जस्ट ऊपर से डाला है, पेस्ट नहीं करा है, नहीं तो ज़्यादा तीखा हो जाता। हल्दी दे दिया, नमक दे दिया, आप अपने अनुसार डाल सकते हो, सबको पता है रेसिपी। अब मैंने यहाँ पे मसूर डाल ले ली। अब इसको उबालने के लिए पहले अच्छे से इसको धो लिया है। तब तक यहाँ पे भी पानी डाल दिया है क्योंकि फिश भी ऑलमोस्ट हो चुका है। अब इसमें खसखस का पेस्ट डाल देंगे तो ये भी पोस्तो कालिया रेडी हो जाएगा। उसके बाद पोस्तो कालिया पे मैंने यहाँ पे खसखस डाल दिया। अब यहाँ पे दाल को देखना है। चलो उसके बाद मैंने पे इसे एक्चुअली कड़वल कहते हैं हमारे बंगाली में, इसे पोटोल कहते हैं। तो पोटोल फ्राइज मेरी सास को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आज क्यों ना पोटोल फ्राइज दाल के साथ बनाया जाए। यहाँ पे चावल भी उबल चुकी है और यहाँ पे मेरा पोस्तो काला भी हो चुका है। तो मैं पे दाल को तैयार करूँ, उसके लिए मैंने हर चीज़ को यहाँ पे छोटा छोटा पीसेस करके दाल के लिए डाल दिया। और दाल भी उबल गया तो उसको भी डाल दिया था। दाल रेडी, पोटोल भाजा रेडी, उसके साथ नींबू भी निचोड़ लिया है। अब अच्छा अच्छा टेस्टी वाला खाना खा लीजिए। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।